What's up guys, this is Asif Jafri and you're watching On The Go with Jafri. आज मैं हूँ एम्स्टरडम में। इधर सारे तकरीबन हलाल रेस्टोरेंट है और बेहतरीन रेस्टोरेंट है। अभी पेंडेमिक की वजह से, रिस्ट्रिक्शन की वजह से रेस्टोरेंट में जो है वो अलाउ नहीं है, आपको डाइन इन अलाउ नहीं है। तो क्या हो रहा है कि उसकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही है यहाँ पर आने में भी। अगर आप हॉलैंड आते हैं, मैं आयरलैंड से हॉलैंड आया हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है टिकट आपको मिल जाता है कोई 30-40 यूरो का। लेकिन उसके बाद मसला ये है कि यहाँ पे आपको दो टेस्ट करवाने हैं, एक PCR जो कोविड का टेस्ट है और आपको दूसरा टेस्ट करवाना है एंटीजन। एंटीजन भी लाजमी कर दिया, तो आपका यानी कि 40-50 यूरो का तो आपका टिकट है, वो सही है। लेकिन उसके बाद आप 100 यूरो का PCR टेस्ट करवाएंगे और 50 यूरो का एंटीजन टेस्ट करवाएंगे, तो 150 और 150 यानी कि 200 यूरो में आपको एम्स्टरडम का, जो कि 30-40 यूरो में हमको पड़ता था। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि यहाँ पे हर चीज़ बंद है। कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं आपको जहाँ आज लेके आया हूँ शायद आपको बहुत अच्छा लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा ज़ाती तौर पे। ये एक हलाल बुचर है और इस जगह का नाम है सारदी। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ अंदर और आप देखिएगा अंदर क्या क्या चीज़ है। आ जाए मेरे साथ। हेलो, हाय, हाउ आर यू? हेलो। इतनी खूबसूरत बुचर शॉप मैंने कभी देखी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आपको इस वजह से लेके आया हूँ कि हलाल बुचर शॉप, एवरीथिंग इज हलाल। तो अब मैं अंदर लेके चलता हूँ, आपको देखते हैं मीट कैसे काटते हैं, क्या तरीका होता है मीट काटने का, बीफ कहाँ का होता है यहाँ पर, लैम्ब जो है वो कहाँ का होता है। बुचर सेक्शन है यहाँ पे, ये कट करते हैं मीट। देखें कितना ज़बरदस्त कट हुआ हुआ है, ये देखें इसने सारा बोन यहाँ पे खड़ी हुई। You took off all the meat and you leave the bones here, is it right? This is what's left over, the bones. Yeah, anything with them. Wow! And what part is that? The neck piece or? No, it's rib. from the back. Back, okay, rib, okay. Yeah, yeah. This is the tenderloin, the fillet. Yeah, fillet. The most soft steak of the whole cow. Yeah. And a piece of the fillet. Perfect. On this side, you see the rib roast again. Yeah, yeah. So I take off the last bone. Yeah. Because it's a bit diagonally. Yeah, yeah. Then I take it off so I can make a nice straight cut. Perfect. Then we got a nice rib roast. Yeah. And then a little piece of entrecote. Yeah. T-bone. Yeah. And I'll still a bit of. And are you trained butcher? Yeah, I'm a trained butcher. Yeah. Wow, that's why I can see the style you cutting the beef is. Yeah, it's not amateur or something like that. No, I've been to school for a few years to teach it all, and I'm 12-13 years working as a butcher now. Wow. Okay. So. ये मुझे नहीं पता था कि हॉलैंड में बुचर स्कूल है। कसाई बनने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है, उस बंदे का 12-13 साल का तजुर्बा है और ये बाकायदा स्कूल से ट्रेन है, स्किल्ड बुचर है। You like to do this? Yeah, I love to do this. Yeah? Yeah, it's my passion to work with me. Yeah. Yeah. Fight with the bones. With like the bones, yes. Butcher, आपने देखे यहाँ पे जबरदस्त काम हो रहा है। वो हम चलते हैं हॉट डेली, देखते हैं उधर क्या हो रहा है काम। Hello. Hi. You doing hot daily? Yes. Okay. This kipling. Kipling. Yeah. Try this, huh? Yeah. Okay, I'll just try one. Wow. Thank you very much. You're welcome. Kipling. Kipling, a breaded chicken. Is it spicy or is it okay? It's a little bit spicy. My like, yeah. Not yeah. Very hot. It's nice. And? Very nice. Very tasty. सांबल सॉस जो है वो बहुत स्पाइसी होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अगर यहाँ पे आपको सैंडविच वगैरह चाहिए, रेडी टू गो सैंडविचेस यहाँ पे आप बना सकते हैं, यहाँ पे बनवा सकते हैं अपनी मर्जी से। आप मीट पसंद करें, लेकिन जो ओवन वगैरह यहाँ पे रखे हैं ये हॉट डेली के, दे आर द सॉसेजेस, लेकिन ये हलाल हैं और सजूक भी कहते हैं इसको। Meatball.
Wow, meatball chicken and making slices. Maria, she's my friend now, like, you know, she's making me very, very nice sandwich there. She's very busy. Honey mustard? Honey and mustard. Okay. This grill sauce? This is gonna be something very, very tasty. I can see it because it's meatball chicken there. And then it going into the bread. Wow. I'm hungry now. Is this done now? Like, yeah? It's not done. Thank you very much. Really appreciate for that. This is lovely sandwich. She made it for me. Very nice. Oh, I can't. I'm gonna eat it. आपको मैं हमेशा कहता हूँ मैंने ये चीज़ पहले ट्राई नहीं की है तो वाकई में मैंने ये मीट बॉल्स जो इस टाइप का फूड है दैट्स द थिंग व्हेन यू एक्सप्लोर फूड यू नो व्हाट काइंड ऑफ फूड पीपल ईट और आपको ओपन होना चाहिए टेस्ट के लिए जब आप फूड व्लॉग कर रहे हैं या फिर आप फूड एक्सप्लोर करते हैं नाइस देखिए इसके अंदर भी सब्जी लगी हुई है इस चिकन के अंदर ये सॉसेजेस टाइप के बने हुए इधर देखें चीज़ है जो हॉलैंड है वो मशहूर है अपनी चीज़ की वजह से जो डच इसको बोलते हैं यहाँ पे कास कास जो है वो चीज़ को कहते हैं और यहाँ पे बहुत मशहूर है इधर का खाउदा चीज़ बहुत फेमस है काटते हैं इनको ऐसे करके कटता है फिर हाफ कट में आ गया फिर इनके स्लाइसेस बनते हैं इस मशीन के साथ ये मशीन है जिस पे चीज़ के स्लाइस बनते हैं देखते हैं जो मैंने आपको चीज़ दिखाए जो रखे हुए हैं यहाँ पे इनके स्लाइस कैसे बनते हैं आए एंड यू हैव द साइजेस दैट हाउ थिक यू वांट यस या ओके सो Let's try this one piece of this is cheese. Oh, Holland mein cheese kaas is famous. Everyone eats kaas here all the time. Kaas in the morning, kaas in the evening, kaas, kaas, kaas. Echt lekker. Echt lekker meat is very tasty. Lekker is tasty. So I speak a little bit Dutch as well, but. I try not to because my Dutch is not good. Yeah. Very nice. Yes. Thank you very much, Nancy. Thank you. Lambs. Lamb. Okay. Okay. Yes. Machine है यहाँ पे तो slice किए जाते हैं उससे. You want to taste? I just taste this one. The smoke lamb. This is lamb. अभी सिर्फ एक चीज़ रह गई है तुमसे कॉफ़ी का पूछा आई लव कॉफ़ी डच कॉफ़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और मैं कॉफ़ी का शौकीन हूँ ब्लैक कॉफ़ी का बहुत मज़ा आया इस जगह पे मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा अगर इसी ब्लॉग पसंद करें आप इस बुचर शॉप की तो मैं नीचे डाल देता हूँ ये देखें स्ट्रीट का नाम आ रहा है अगर आप आएँ मज़े से आपको गोश्त चाहिए गोश्त लें आपको डेली में मज़े मज़े की चीज़ें खानी है स्नैक्स चाहिए आपको स्नैक्स ले चलते हैं थैंक यू नैंसी रियली अप्रिशिएट फॉर दैट दिल्ली जा रहा जाने को लेकिन मुझे जाना है अब तो वेरी फ्रेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल द कस्टमर सर्विस इज 100% वेरी नाइस कस्टमर सर्विस वेरी फ्रेंडली पीपल वेरी कोऑपरेटिव मुझे नहीं पता कि इधर प्राइजेस क्या होती हैं तो मैं थोड़ा सा मालूम करता हूँ प्राइजेस के बारे में Stanley gonna tell us about the prices. I have some confusion about, for example, this meat here. Yeah, the marinated lamb chops. Okay, so is this 220? 220 per ounce. Per ounce. So I'll show you. It's
220 yeah. per 100 grams. अगर आपको रेडीमेड सैंडविचेस वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आराम से मिल सकते हैं. सैंडविच स्टार्ट्स फ्रॉम 350 फॉर अ सैंडविच. ओके. देन यू कैन हैव सैंडविच विद लाइक फॉर एग्जांपल विद द ग्रिल सॉसेज एंड वी कैन आल्सो मेक सम मोर लक्जरी सैंडविचेस विद सम मोर गार्निश ऑन इट. यस. देन इट विल बी 495. So 490, like you can easily get something under 6 euro, 7 euro. Yeah. Thank you very much, Stanley. You're welcome. हम देखा prices भी बुरे नहीं हैं, जबरदस्त है, it's not too bad, reasonable prices हैं. यहाँ पे Holland में आपको reasonable prices मिल जाते हैं और आपको option नहीं कि ये चीज़ खा सकते हैं आप. बुरा नहीं है 6-7 यूरो में, और क्या चाहिए, आप जान लेंगे क्या. या ज़बरदस्त. चले आपसे कहीं और मिलते हैं, किसी और जगह पे जाएंगे, आपसे मिलेंगे और मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे. तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड उम्मीद है आपको ये मेरी ब्लॉग पसंद आएगी. मेरे चैनल को जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाइक सब्सक्राइब करें यार, क्या कर रहे हैं आप लोग. कीप वॉचिंग ऑन द गो विद जेफरी. ऑन द गो विद जेफरी.